हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूर्णतया अंतर संयोजित नेटवर्क सन स्थिति के लिए एक अन्य नाम है, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी कंप्यूटर की ज्यामिति व्यवस्था को जो है हम लोग क्या कहते हैं, टेपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क सन स्थिति के अन्य नाम जो है उनमें जो है दोस्तों, आपका जो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला है, मेस, ये यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने बताया है मेस को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, B-29 बम वर्षक विमान का क्या नाम था जिससे फैट मैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ठीक है, तो बताइए। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है 6 अगस्त सन 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के दो शहर, हिरोशिमा शहर, ठीक है, और नागासाकी, तो यहां पर जो है उन्होंने बम गिराया था। तो आपको बताना है वो जो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, बोकिस्कार या ट्रिनिटी टेस्ट या फैटमैन या एनोला गे। तो आप सभी लोग बताइए कि B-29 बम वर्षक विमान का क्या नाम था। तो दोस्तों, यहां पर यदि बात करें राइट आंसर की, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, बोक स्कार आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। डॉक्टर विधान चंद्र राय ने जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को बताइए सभी लोग किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए काफी सारे लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चिकित्सक दिवस, जितने भी लोगों ने चिकित्सक दिवस बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर काफी सारे लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, विश्व मधुमेह दिवस, तो मधुमेह दिवस आपका नहीं है, चिकित्सक दिवस है, ठीक है। चिकित्सक दिवस दोस्तों 1 जुलाई से मनाया जाता है, आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा 1 जुलाई को। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुलेमित नहीं है, बताइए, जापान आइबिस, न्यूजीलैंड डोडो, कनाडा का जो गंजा ईगल, या आपका ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम रॉबिन रेड ब्रेस्ट। तो दोस्तों, यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, न्यूजीलैंड जो है डोडो, ये आपका सुनियमित नहीं है। न्यूजीलैंड की जो पक्षी है, आप सभी लोग यदि क्रिकेट देखते हैं तो आप लोगों को जरूर पता होगा कीवी, ठीक है, कीवी जो है न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर चर्चित व्यक्ति हैं और उनके क्षेत्र हैं, आपको बताना है किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है, निकहत काजमी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिल्म समीक्षक यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग बताइए, तो न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, तो आप सभी लोग यहां पर ध्यान में रखिए। ए बी वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आप सभी के पास समय दिया जाता है 5 से 10 सेकेंड, आप सभी लोग प्रयास कीजिए बताने का।
नेशनल कैडेट कोर का आदर्श जो है, आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन, ठीक है, एकता और अनुशासन जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने तान सेन सम्मान शुरू किया? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है तानसेन सम्मान शुरू किया, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, दोस्तों तानसेन आप सभी को पता होना चाहिए कौन थे। तानसेन जो है प्राचीन काल में जो है, पुराने समय में अकबर के जो नवरत्न है उनमें से एक थे, नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है, जियो मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका 9 का ए वाला जो है गोल्फ, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जियो मिल्खा सिंह और ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो गोल्फ के हैं। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों आप सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर देखिए, पहले पर यदि बात करें दोस्तों, यहाँ पर सिक्किम आएगा, ठीक है, ये आपका पहले पर आएगा। और यदि दूसरे पर बात करें, बढ़ते हुए क्रम में करना है, तो सबसे पहले सिक्किम आता है, फिर उसके बाद आपका आएगा दोस्तों मिजोरम, ठीक है। और बात करें तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आपका आएगा गोवा, और चौथे नंबर पर दोस्तों आपका आएगा नागालैंड। ठीक है, तो ये आपके कुछ हैं पॉइंट्स, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। आपका यहाँ पर यदि बात करें कूट में, तो कूट में आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग चाहिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य चली? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हावड़ा धनबाद, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें सही मिलान कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है, पहले ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। आधुनिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय ये आपका सोलन हिमाचल प्रदेश में जो कि है पड़ता है। सी वाला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। तो सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर सभी लोग का राइट है। इंद्राणी रहमान किस नृत्य से नृत्यांगना है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है उड़ीसा से, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उड़ीसा से जो है इंद्राणी रहमान जो है संबंधित हैं। ब्रह्मास, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है भारत और यूएस द्वारा, भारत और रूस द्वारा, भारत और जर्मनी द्वारा, भारत और यूके द्वारा? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर, देखिए काफी सारे लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं, तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत और रूस, रूस सभी को पता होना चाहिए, रूस पूरे भारत में जो पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, और भारत सातवें स्थान पर आता है। तो भारत और रूस ने मिलकर जो है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? दोस्तों यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है सन 1975, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। काफी सारे लोग बता रहे हैं 1975,
ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनटीपीसी का मुख्यालय जो है वो आपका दिल्ली में है, ठीक है? तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, दिल्ली आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए, कॉल फोन से तो आपका पुराना यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ड्रीम। अगला प्रश्न है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर राखल लीला जो है ये आपका असम का लोक नृत्य है, ठीक है? तो आप सभी लोग भरपूर देख लीजिए, लोक नृत्य क्या है, कहाँ का? असम का लोक नृत्य है राखल लीला, आसाम का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोटुआ और एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए काफी सारे लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं, असम में जो पुरुषों की ये वेशभूषा है इससे संबंधित है, तो असम के पुरुषों की वेशभूषा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने 18 नंबर प्रश्न में, देखिए काफी सारे लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रक्षेपिकी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है दोस्तों आपका फ्रांस में है, ठीक है? जो कि आपका फ्रांस में एक शहर है लायोन, तो यहाँ पर पड़ता है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरपोल की स्थापना जो है सन 1923 ईस्वी में हुई थी, ठीक है? तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, इसका नाम जो है इंटरपोल कब पड़ा? सन 1956 ईस्वी में पड़ा है, और इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? सन 1923 ईस्वी में, ठीक है? अगला प्रश्न दोस्तों, ये आपका लास्ट प्रश्न है, और इस क्लास के खत्म होने के बाद आप सबके लास्ट क्लास, आप सबकी जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है वो चलने वाली है, तो उसका कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो आप सभी लोग जाइएगा, वो क्लास भी अटेंड करिए, ठीक है? तो आप सब सभी सही जवाब देने का प्रयास कीजिए, सही बोलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, ठीक है? तो आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, फाक टेस्ट। तो चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और जितने भी लोग अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।